चंदा गिलहरी, बनी खरगोश और बब्बन बंदर ने जंगल में घर बनाने का फैसला किया। बब्बन ने चंदा और बनी से कहा कि उन्हें एक साथ घर बनाना चाहिए ताकि उनका घर सबसे मजबूत हो, लेकिन चंदा और बनी ने मना कर दिया और कहा कि वो अपने अलग अलग घर बनाएंगे। चंदा ने अपने घर के लिए 83 पतली टहनियां इकट्ठा की और अपना छोटा सा घर बनाया। उसने पहले 50 हरी टहनियां और 33 भूरी टहनियां इस्तेमाल की, लेकिन चंदा को घर की डिजाइन अच्छी नहीं लगी तो उसने 30 हरी टहनियां और 53 भूरी टहनियां इस्तेमाल कर इस तरह से अपना घर बनाया। तो चंदा ने इस बार कितनी पतली टहनियां इस्तेमाल की? चंदा ने फिर से 83 पतली टहनियां की इस्तेमाल की। जी हाँ बच्चों, हम किसी भी संख्या को अलग अलग संख्याओं के जोड़ में व्यक्त कर सकते हैं। चंदा इस तरह और भी संख्याओं के जोड़ का इस्तेमाल कर 83 पतली टहनियों से अपना घर बना सकती है। क्या आप और तरीकों से इस संख्या को तोड़ सकते हैं? बनी ने अपना घर 124 लकड़ी के टुकड़ों से बनाया। उसने 100 काली लकड़ी के टुकड़े और 24 पीले लकड़ी के टुकड़ों से इस तरह अपना घर बनाया। अगर बनी ने 80 काली लकड़ियां और 44 पीली लकड़ियों का इस्तेमाल किया होता, तब भी क्या बनी ने 124 लकड़ियां ही इस्तेमाल की होती? बच्चों, आप दो अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर इस सवाल का हल इस तरह ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, बनी 80 काली लकड़ियां और 44 पीली लकड़ियों का इस्तेमाल करके भी कुल 124 लकड़ियों का इस्तेमाल ही करेगा। हम 124 को इन तरीकों से भी लिख सकते हैं। बब्बन ने केवल 78 ईंटों का इस्तेमाल कर एक बहुत ही सीधा घर बनाया। उसने 50 सफेद रंग के ईंटे, 18 लाल रंग की ईंटे और 10 भूरी ईंटे इस्तेमाल की। क्या बब्बन सफेद, लाल और भूरी ईंटों के और कोई जोड़ से कुल 78 ईंटों से ही अपना घर बना सकता है? आइए इस तालिका को पूरा कर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें। शाबाश बच्चों, आपने ये तालिका बिल्कुल सही तरीके से भरी है। आखिर चंदा, बनी और बब्बन के घर तैयार हो गए। बच्चों, इस पाठ में हमने जोड़ का उपयोग कर किसी भी संख्या को विभिन्न तरीकों में लिखना सीखा। अगले पाठ में हम इस बारे में और जानेंगे।